आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत 20 जनवरी 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित बाइक रैली को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किए जाने के उपरांत आबू रोड से रवाना की गई बाइक रैली में 10 बाइक राइडर्स 2100 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए 10 दिन में अजमेर से जयपुर होते हुए आज कोटपूतली राजधानी टूरिस्ट होटल स्थानीय प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय इकाई प्रमुख लक्ष्मी बहन एवं एडवोकेट अशोक बंसल के द्वारा बाइक राइडर्स का तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत किया गया। तदुपरांत अमृत महोत्सव बाइक रैली गुड़गांव होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो गई। डॉक्टर जगबीर सिंह माउंट आबू से माइंड पावर कोच हूँ, ओलंपिक में भी गया था, रियो ओलंपिक में। तो हम लोगों की ये 10 बाइक राइडर्स निकले हैं ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया ऑनलाइन। वहाँ से निकल के हम लोगों ने अजमेर में प्रोग्राम किया और फिर जयपुर प्रोग्राम करते हुए अभी दिल्ली रिपब्लिक डे परेड में जा रहे हैं। हमारा संदेश है 75वां जो आज़ादी का महोत्सव है, इसमें स्वर्णिम युग की ओर कैसे भारत को ले जाएं। और मेन इसमें राजयोगा मेडिटेशन की ट्रेनिंग जो ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जा रही है, और ख़ासकर ये कोविड के पीरियड के टाइम में लोगों में इतना भय व्याप्त है, तो मेडिटेशन के द्वारा हम काफ़ी मददगार इसमें साबित होते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, हमारी माइंड पावर बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो संस्कार है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो जो स्वर्णिम भारत है, जो अच्छा भारत आएगा, उसमें संस्कार, स्वभाव, ये सारे हमारे संबंध, इन सब का बड़ा महत्व होगा। तो वो सारा प्रयास ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा अनेक रैलियां निकाली जाएंगी। 75 से ज़्यादा रैलियां हैं, बाइक रैली, साइकिल रैली, पद यात्राएँ, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ग के लोगों तक पहुँच बनाई जा रही है। 20 तारीख को हमने शुरुआत करी थी। 10 बाइक राइडर हैं जो नेशनल लेवल के हैं, हर एक कोई 25,000 किलोमीटर चला चुका है, कोई 50,000 किलोमीटर, तो एक्सपीरियंस्ड राइडर हैं। साथ के साथ एक एम्बुलेंस है, एक पिकअप है जिसमें 4 सपोर्ट स्टाफ हैं। और अभी हम हमारी जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर है गुड़गांव में, वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद हम रिपब्लिक डे परेड में जाएंगे 26 तारीख को कंप्लीट करके, फिर 27 को वापसी। मेन मकसद क्या है रैली का? मेन मकसद है कि जो भारत स्वर्णिम युग की ओर जाए, तो उसमें राजयोग मेडिटेशन को हम कैसे इंक्लूड करें और अपने संस्कार स्वभाव को अच्छा बनाएं।